थाने के चीतलसल पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी की जांच करते हुए हाल ही में भिवंडी के न्यू टावर कंपाउंड स्थित फर्जी कॉल सेंटर के संचालकों के पास से 195 सिम कार्ड जब्त किया था। इसी क्रम में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए भोईवाड़ा पुलिस ने बोगस आधार कार्ड के आधार पर 388 सिम कार्ड सहित कुल 2,23,162 रुपए का माल जब्त करते हुए इस गोरख धंधा में शामिल एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए भिवंडी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है। इस तरह दो अलग अलग मामलों में थाने और स्थानीय पुलिस 583 सिम कार्ड जब्त कर चुकी है। बता दें कि बिजली चोरी के एक मामले की जांच करते हुए यह पाया गया कि मोबाइल फोन किसी अन्य व्यक्ति का था, जिससे संदेह पैदा हुआ, जिसकी जांच के दौरान इस गोरख धंधा का भंडाफोड़ हुआ। सूचना मिली थी कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धामन कर्नाका और नागांव इलाके के गायत्री नगर रोड पर मोबाइल सिम कार्ड बेचे जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने फातिमा नगर निवासी सईद अब्दुल गफ्फार शेख 24 वर्ष और मोहम्मद इरफान अंसारी 23 वर्ष सहित एक नाबालिग तरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसे पता चला कि अलग अलग आधार कार्डो पर एक ही फोटो लगाकर विभिन्न नाम और पता दर्ज करके फर्जीवाड़ा के जरिए नए सिम कार्ड को एक्टिवेट कर अलग अलग ग्राहकों को बेचते थे। मजे की बात तो यह है कि जिस आधार पर सिम कार्ड एक्टिवेट किए जाते थे, उस आधार कार्ड पर महिला का फोटो और नाम पुरुष का होता था। इसलिए पुलिस को आशंका है कि इस फर्जीवाड़े में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी हो सकती है। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उक्त तिकरी द्वारा बेचे गए सिम कार्ड का उपयोग कौन कौन कर रहा है। भिवंडी से अमृत शर्मा की रिपोर्ट। कल 20/1/2022 में भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया है। सीआर नंबर 16/2022, आईपीसी सेक्शन 418, 420, 465, 468, 469, 471, 474 के तहत मामला ये है कि जो सिम कार्ड खरीदी की जाती है उसमें एक टोली पकड़ी गई है, जो उसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। उसमें 2 जो है वो एक जुवेनाइल है और 2 जो है मोहम्मद इरफान इस्लाम अंसारी करके एक है, 23 साल का, ये फातिमा नगर भिवंडी में रहता है, इसका टेक्स्ट कपड़ों का भी व्यापार करता है। दूसरा है सईद सगर अब्दुल गफ्फार शेख, ये भी है फातिमा नगर उमर अपार्टमेंट सागर प्लाजा के पास नागांव भिवंडी में रहता है, और एक जुवेनाइल बालक है जो धामनकर नाके के पास रहता है। तो इनका जो मोडस ऐसा था कि ये जो सिम कार्ड के ज़रिए मतलब डुप्लीकेट आधार कार्ड इन्होंने बनाए थे, उसमें 111+27 138 सिम कार्ड जो है वो एक्टिवेट हुए थे। इसमें एक फ़ोटो एक का और बांटे गए 4 लोगों को, लेडीज़ का फ़ोटो है तो जेंट्स के नाम है, जेंट्स का फ़ोटो है तो लेडीज़ के नाम है। इस तरीके से 71 आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी जो है इन्होंने डुप्लीकेट बनाई थी, और उसके ज़रिए ये सारा मामला था। इसमें 4 आधार कार्ड जो है लेडीज़ के हैं, लेडीज़ के फ़ोटो लेकिन जेंट्स का नाम। इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा इन लोगों ने सिम कार्ड मतलब बेचने के लिए गलत तरीके से ये सब डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बनाए हैं। और ये जो खबर है हमारे सीनियर पीआई को मिली है परसों, कल के दिन रात में, मतलब इस तरीके से ये परसों के दिन से चल रहा था कि भाई इस तरीके से एक टोली जो है अपने भिवंडी शहर में एक्टिवेट है, तो उनको पकड़ा गया है और उनकी तरफ से जो है एक्टिवेट हुए ऐसे 111 सिम कार्ड अलग अलग तरीके के। एक मैंने जो अभी बताया है वो सेकुजेम कंपनी जो है KYC मशीन, सेकुजेम कंपनी का 3 मोबाइल, जियो आइडिया, वोडाफोन कंपनी के जो ये सभी मामला थे, और एक्टिवेट और 250 सिम कार्ड और अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए वो 154 आधार कार्ड कलर फोटो कॉपीज ऐसा सब एक्टिवेट हुए ऐसे 111 सिम कार्ड अलग अलग तरीके के। एक मैंने जो अभी बताया वो सेकुजेम कंपनी जो है KYC मशीन, सेकुजेम कंपनी का 3 मोबाइल, जियो आइडिया, वोडाफोन कंपनी के जो ये सभी मामला थे, और एक्टिवेट और 250 सिम कार्ड और अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए वो 154 आधार कार्ड
कलर फोटो कॉपीज, ऐसा सब जो टोटल मुद्देमाल है 2,23,162 रुपये का हमने जो है वो जब्त किया है। और उस आधार पर जो है कि मामला दर्ज हुआ है, आधार कार्ड फ़ोटो कलर जेरोक्स जो है ये सब इसके ज़रिए केवाईसी मशीन पर जो है थंब इम्प्रेशन अगर हुआ नहीं, सपोज़ वो करते थंब इम्प्रेशन, वो बार बार फिर उनका ये करके फिर से एक्टिवेट करके सिम कार्ड एक्टिव करते थे। पहले एक्टिव होता था, कुछ बाद में बंद होता था, बाद में बंद किया हुआ फिर एक्टिवेट करना, इस तरीके से ये मामला होता था। और इसमें जो जिस तरीके से बहुत जगह पर ये सिम कार्ड बेचे जाते हैं, छतरियाँ लगाई जाती है, तो गलत तरीके से जो है कंपनी को भी गलत इन्फॉर्मेशन देके, गलत डॉक्यूमेंट बना के, कलर प्रिंट आउट निकाल के, गलत नाम डाल के एक एक आदमी के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 सिम कार्ड इशू किया जाता था। तो इस तरीके से मामला हमें पता चला है, उसके तहत कानूनी कार्रवाई करके हमने, और इसमें हमें आशंका है कि इसके अंदर और 2-4 लोग होने की संभावना है, और उनके उनको मतलब पकड़ने के लिए, उनकी छानबीन के लिए हमारी जो टीम है वो टीम लगी है। और इसमें हमें ये भी ध्यान में आ रहा है कि ये बनावट सिम कार्ड और किस इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जो है वेरिफिकेशन हम करने वाले हैं। और इससे कुछ लोगों से, कुछ ऐसे गलत लोगों से लोग तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जिसकी वजह से लोगों के जो फंसाए जा रहे हैं, तो ये भी पूछताछ हम कर रहे हैं। और इसका जो इसमें हमारे जो घुगे करके पीएसआई है और हमारे एसीपी है और हिंदलकर सीनियर पीआई, इन्होंने सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत ली है। और ये मामला भी आगे जो है इसमें और पूछताछ के बाद हमें पता चल सकता है कि इसमें और गहराई में जाके ज़्यादा मालूमात मिल सकती है। तो इसमें 27 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी रिमांड दी गई है। तो इस तरीके का ये पूरा मामला है।